हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप जानते हो GOC के नाम से। तो प्यारे बच्चों, GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक गेटवे होता है, दरवाजा खुल जाता है। आप ये भी कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ABCD होती है वो GOC होती है। जैसे इसके बाद क्लास 11th में आप हो या क्लास 12th में हो, तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। 11th में अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, 12th में अपन अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हमने पढ़ लिए अच्छे से। उसके बाद हम पेपर में बैठे, क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन आया है हाइड्रोकार्बन से पर बन नहीं रहा, क्वेश्चन आया है अल्कोहल से पर बन नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर जो कंसेप्ट लगे थे वो आपको GOC में पढ़ाए गए थे। GOC है क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल जनरल बातें, कुछ जनरल जनरल बातें, कोई रिएक्शन कैसे होता है, कोई रिएक्शन में ये रिएक्शन तेज होगा कि ये रिएक्शन तेज होगा, चार पांच रिएक्शन में इंटरमीडिएट दिए हैं तो कौन सा असल में बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेगा, कौन बेसिक नेचर शो करेगा, ऐसी तमाम बातें हैं। एक दो नहीं, तमाम बातें ऐसी हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इसके बिना भी कई लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के स्कूल में अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि स्कूल में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं उठाता है, ठीक है। ये मैंने पहले से ही बता दे रहा हूं, पर अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आपको GOC आनी चाहिए। अगला सवाल होता है कि GOC कितना बड़ा टॉपिक है। तो GOC बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, डिपेंड करता है कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है भाई। कई टीचर इसको 3-3 महीना पढ़ाते हैं, कई टीचर इसको 10 लेक्चर में रैप अप कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे अच्छे कंसेप्ट निकाल के, प्यारे प्यारे सवाल निकाल के, प्यारे प्यारे एक्सेप्शन निकाल के आपको वीडियो वाइज कराता जाऊंगा। एक वीडियो में कोशिश करूंगा एक कंसेप्ट खत्म हो। जैसे आज की वीडियो में मैं इंडक्टिव इफेक्ट नाम का एक कंसेप्ट पूरा लेके आया हूं, और इससे रिलेटेड जो भी इसका एप्लीकेशन है, जो भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, प्यारे प्यारे सब लेके आए हैं। अगर आपको ये टॉपिक इजी लगता है या आप पहले पढ़ चुके हैं तो वीडियो को x2 की स्पीड पे देखें और क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन इसमें मिलते जा रहे हैं ना, उनको कॉपी करते जाएं। एक और बात, GOC में हर बात समझ में आए इसकी गारंटी भी नहीं होगी। केमिस्ट्री क्या है, जो चीज पहले से हो चुकी है उसको हम आपको बताएंगे। तो कई बार हम आपको बोलेंगे कि इस ऑर्डर को याद कर लो, क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि 1 घंटे बताएं कैसे हुआ। हम कई कई बोलेंगे इस चीज को याद कर लो, कई बार होगा ऐसा, आज के लेक्चर में नहीं, ये चलेगा। अब ये सब चीज आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो आपको कॉपी में कई बार ऐसे बॉक्स बना के लिखना होगा लर्न, है ना, या हाइलाइटर्स वहां पे हाईलाइट करना होगा, कई बार ऐसा होगा। और उन चीजों को बार बार रिवाइज जब आप करोगे तब आपकी ऑर्गेनिक पे एक ग्रिप बनेगी। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आपको थोड़ा बहुत IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए GOC पढ़ने के लिए। सो माई नेम इज अलख पांडे एंड लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की GOC की। तो इतनी देर से मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा था GOC का, एक टॉपिक हो गया है इंट्रोडक्शन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये ABCD है, जनरल सारी बातें हैं। पर हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है ये समझ लो। हम इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इसके अंदर हमें कुछ पढ़ने हैं, जो कि आज की क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है। उसको खत्म करने के बाद हम कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कि रिएक्शन के बीच में क्या क्या बनता है। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ बीच में बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कोई रिएक्शन किस तरह से होता है। और बहुत से रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट वन कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें डिस्प्लेस हो, अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएं, ऐसे 4 इफेक्ट हमारे पास हैं। आज की क्लास में इसमें से हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट,
और भी इफेक्ट हैं, जैसे इसी में अंदर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बहुत छोटा सा है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और चौथे नंबर पे हमारा आता है रेजोनेंस इफेक्ट, सब और भी नाम से जाने जाते हैं, इसको नेथन ब्रैकर इफेक्ट भी कहते हैं, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, तो बड़ा फेमस है, लिखना पड़ेगा मेसोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में, दे आर नॉट सेम, आई एम नॉट सेइंग दे आर 100% सेम ना, थोड़ा सा अंतर है पर करीब करीब क्लोज होते हैं। तो बेसिकली ये चार इफेक्ट हमें पढ़ने होंगे, जो चारों इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने के इफेक्ट हैं। क्या फायदा होगा सर इसका? बहुत फायदा होगा, इसको पढ़ने से आप पता कर पाओगे रिएक्शन के बीच में कौन सी स्पीशी बनेगी और कोई रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आज हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक खास बात आप और जान लें कि इन चार में से सिर्फ ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, बाकी सब के सब परमानेंट इफेक्ट है। टेम्परेरी मतलब बच्चों, मतलब ये इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल के अंदर तब ही होगा जब कोई रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, जब सामने इसके कोई केमिकल कंपाउंड दिखेगा तभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी, नॉर्मली आराम से बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, खिसकेंगे नहीं, जब सामने से आता हुआ कोई रिएजेंट दिखेगा तब खिसकना स्टार्ट करेंगे, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन हमेशा खिसकते रहेंगे, चाहे सामने रिएजेंट हो चाहे सामने रिएजेंट प्यारे बच्चों ना हो, मतलब परमानेंट इफेक्ट। तो आज हेडिंग लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और मैं इसके बहुत प्यारे क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं, ठीक है, मैं एक पेपर पे बहुत सारे से क्वेश्चन लिख के ले आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे, एक एक लेयर वाइज लेयर आपका इसमें जो भी डाउट है क्लियर होगा, इसलिए मेरे लेक्चर लंबे होते हैं, इसलिए लंबे होते हैं, लेयर वाइज लेयर क्लियर करना होता है। तो हेडिंग लगाएंगे आप प्यारे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, और मजे लीजिए अब यहां से जीओसी के इंडक्टिव इफेक्ट। प्यारे बच्चों इसके बाद आप किताब से क्वेश्चन उठाएंगे, आपका बहुत इजीली सॉल्व होगा। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज पार्शियल, है ना, पार्शियल शिफ्टिंग बोल देता हूं मैं, या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, पार्शियली, ऐसा नहीं कंप्लीटली, ज्यादा, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा होने से बच्चों पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, सी से मान लो कोई कंपाउंड एक्स जुड़ा है, कोई एटम एक्स, या इस तरह से मान लो CCCX, और एक ये मान लो CCC, बहुत आसान एग्जांपल Y, मान लो जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बच्चों अगर ऐसा होगा तो इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन x की तरफ भागना चाहेंगे ऐसे, क्योंकि x ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, ऐसा होने से x के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, यही है इंडक्टिव इफेक्ट, कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसके ऊपर छोटा सा माइनस, इसके ऊपर छोटा सा प्लस। इसी तरह से अगर हम बोलें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो गई,
कार्बन से कम हो जाएगी तो इस बार इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा, कार्बन पे डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, तो पार्शियल चार्ज भी डेवलप हो गए और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट देखा नहीं जाता है, सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, अब बच्चों अगर कोई ग्रुप कार्बन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। अगर कोई ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर कोई ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन बात कर रहे हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई, इसको आप बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, इसको आप बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। बात समझ में आई है? तो दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस आई, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो प्लस आई। हम बताएंगे आपको कौन सा ग्रुप प्लस आई कौन सा, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आगे कहानी समझिए। ये जो इफेक्ट है इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस, की स्पेलिंग सही है, बहुत सही, विथ डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, मतलब ये यहां पे खत्म नहीं होगा। अब जरा इस बॉन्ड को देखो, इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, भाई प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे, है ना, यहाँ इसने एक्स ने कार्बन के खींचे, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, कमी पड़ ली तो उसने इस कार्बन से खींचे, उतना नहीं खींच पाया एक्स जितना, फिर भी खींचा, तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर आने वाला पॉजिटिव चार्ज इससे कम है, है ना, ये कार्बन उतना नहीं खींच पा रहा जितना एक्स ने खींचा। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया तो ये भी अगले वाले से कहेगा तुम भी थोड़े इलेक्ट्रॉन तो हमको दो, और इसके ऊपर और छोटा पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब दिस इफेक्ट ट्रेवल्स विद डिस्टेंस एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, कम भी होता जा रहा है चार्ज, ये कम हो रहा है, ज्यादा नहीं कम, है ना, शुरुआत में सबसे ज्यादा खींचा उसने, पीछे खींचा उसने, पीछे खींचा, और धीमे धीमे ये इफेक्ट खत्म भी हो जाता है, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। माना जाता है कि अप टू 3 कार्बन ये ट्रेवल करेगा, कहां तक ट्रेवल करेगा, माना जाता है अप टू 3 कार्बन ये ट्रेवल करता है, उसके बाद इफेक्ट सीज कर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के ऊपर है नेगेटिव, ये कार्बन पास इलेक्ट्रॉन है, इसने बगल वाले को पास कर दिए, बगल वाले के ऊपर थोड़ा सा कम नेगेटिव, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसने थोड़े से आगे दे दिए, इसके ऊपर और कम नेगेटिव, बोलो आ रहा है, डेल माइनस डेल डेल माइनस डेल डेल डेल, मतलब और छोटा होता जा रहा है, तो इट इफेक्ट ट्रैवल करता है और डिक्रीज करता है। तो प्यारे बच्चों, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हैं, प्लस आई माइनस आई, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज बनते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो खींच लेगा, कम तो अपनी उसकी तरफ ढकेल देगा। मिटा रूं? ओके चलिए, तो आपको बेसिक समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट का। अब बात आती है सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है सर जी, हमारे डियर सर जी, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं हम क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत एग्जांपल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज मोर स्टेबल एफ सी एच टू सी ओ ओ माइनस सी एल सी एच टू सी ओ ओ माइनस BrCH2COO- ICH2COO-। मेरा सवाल है इन चारों स्पीशी में से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी चार्ज्ड स्पीशी हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनस्टेबल, कहीं पे भी बच्चों, जब भी आपको कोई चार्ज्ड स्पीशी मिले
तो वो हमेशा अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशी. चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल. भाई चार्ज वहां पे रखा हुआ है ना तो अनस्टेबल. अब चार्ज जितना अपनी जगह पे रुका रहता है बच्चों उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है ना. चार्ज जितना ज्यादा स्टैटिक हो जितना ज्यादा रुका हुआ हो जितना ज्यादा रुका हुआ हो उतना ज्यादा अनस्टेबल है ना. चार्ज एक दिक्कत है हमारे लिए ना, एक दुविधा है. दुविधा किसी एक एटम के ऊपर है तो उसको ज्यादा दर्द होगा. अगर वही दुविधा सारे एटम आपस में बांट लें तो दर्द कम हो जाएगा. होता है कि नहीं कि हम एक दूसरे का दर्द बांटते हैं. नहीं वो वाला नहीं, वैसे दर्द नहीं बांटना है ठीक है ना. प्यार वाला दर्द नहीं, ऐसे सिंपल से दर्द है. सिंपल भी होती कई चीजें. तो जहां पे चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जहां पे प्यारे बच्चों चार्ज ज्यादा, मैं चलो डिस्ट्रीब्यूट ही वर्ड यूज करता हूँ, आगे वर्ड भी चेंज करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वहां पे वो स्पीशी ज्यादा स्टेबल होती है. अब केमिस्ट्री में ये बात याद रखना, चार्ज जितना रुका हुआ हो जितना खड़ा हो एक जगह पे उतनी अनस्टेबल स्पीशी. आप समझो, आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की भी ज्यादा, एडिंग मतलब सबके सब माइनस आई इफेक्ट दिखाने आए हैं, है कि नहीं. ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है. इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, उससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खींचा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भाई, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन इफेक्ट आगे जा रहा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ. अब आप बताओ किसमें सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा इधर गिरेगा. इसमें आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमको पता है कि यहां माइनस आई का जो ऑर्डर है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन है. माइनस आई का ऑर्डर फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, सबसे ज्यादा ये खींचेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ये खींचा तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये स्पीशी मोस्ट स्टेबल. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी. अब आप बोलोगे इसका काम क्या है, काम थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूं क्या है. अब पहले काम समझने के, अगर मान लो स्टेबिलिटी ही डिस्कस करते रहना है तो काम समझने के लिए जो आने वाला है हमें माइनस आई का ऑर्डर पकड़ना पड़ेगा. यहां तो आसान था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, एनी वन कैन टेल यू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बहुत आसान है. अभी आपको और सवाल दे दें तो आप फंस जाओगे है ना, अभी हम और कुछ यहाँ पे डाल दें तो आप फंस जाओगे. तो आपको पहले ऑर्डर आना चाहिए. जैसे यहीं पे हम एक क्वेश्चन ई, प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना, यहीं पे मैंने ई जोड़ दिया, एनओ टू सी एच टू सी ओ ओ माइनस. अब मैं पूछूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या ये ज्यादा स्टेबल हो गया या सबसे कम है या कहीं बीच में घुसने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, माइनस आई ऑर्डर. क्या सर ऐसा है कि माइनस आई से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, घट भी सकती है स्पेशलिटी स्टेबिलिटी. मान लो यहां प्लस चार्ज होता, बी विथ मी, मान लो यहां प्लस चार्ज होता और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता, तो प्लस में ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, उससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्टेबल, दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सोचना पड़ेगा. यहाँ प्लस होता तो माइनस आई से प्लस को खींचता, प्लस का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नहीं है, तुम और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो और अनस्टेबल हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा. तो अब परेशानी क्या है कि अलग अलग ग्रुप का हमको माइनस आई ऑर्डर सीखना है, फिर क्वेश्चन करने टेंशन थोड़ी ना ले लिया. ये समझ गए कि चार्ज स्पीशी अनस्टेबल और चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट उतना स्टेबल, चार्ज जितना फैल जाए उतना अच्छा. तो पहले आप माइनस आई का ऑर्डर लिखेंगे प्यारे बच्चों, काफी किताब रिसर्च करके ये ऑर्डर मैं लिख रहा हूं तो गलत नहीं होगा. सबसे पहले NF3 प्लस ग्रुप को लेंगे आप, NF3 प्लस पॉजिटिव चार्ज लगा है बच्चों, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, माइनस आई का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं. इसके बाद आएगा NR3 प्लस, R बोले तो एल्काइल ग्रुप, यहां फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन भी. इसके बाद प्यारे बच्चों आता है NH3 प्लस ग्रुप, ये तीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली माइनस आई शोइंग ग्रुप. इसके बाद प्यारे बच्चों आता है NO2 ग्रुप, जो अभी अभी लिखा था मैंने. इसके बाद आता है C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप प्यारे बच्चों. इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH. इसके बाद प्यारे बच्चों कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड OR कीटोन.
इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। प्यारे बच्चों इसके बाद जो अभी आपने पढ़ा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस आई इफेक्ट, यहां तक करते 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 इसके बाद प्यारे बच्चों आता है ओ आर, ओ आर एपॉक्सी ग्रुप मतलब ओ मिथाइल ओ इथाइल वगैरह। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों ओ एच अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप के बाद प्यारे बच्चों आएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें से एक कार्बन हटा दूंगा एक हाइड्रोजन हटा दूंगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी यहां जाके जुड़ गया ट्रिपल बॉन्ड का ग्रुप। प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमारे पास आता है NH2 और ये करीब करीब बराबर होता है फिनाइल ग्रुप के, कभी ये बेंजीन रिंग आपको मिले। इसके बाद बच्चों आता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ग्रुप, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, हाइड्रोजन एक रेफरेंस है, मतलब हाइड्रोजन पे कहानी खत्म होती है और यहीं से प्लस आई स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन के माइनस आई इफेक्ट को आप जीरो मानते हो, हाइड्रोजन के माइनस आई इफेक्ट को आप जीरो मानते हो, यहीं से कहानी स्टार्ट हुई। प्यारे बच्चों इस ऑर्डर को आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, ठीक है? सो NF3+, NR3+, NH3+, NO2, CN, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन कम्स OR यानी O मिथाइल O इथाइल OH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 और साथ में फिनाइल, कई बार ऐसे लिखा होगा PH करके क्वेश्चन में फिनाइल, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई माइनस आई इफेक्ट होता नहीं, लास्ट में एक ऑर्डर में दिया हुआ है, नोट कर लें इसको। वन टू थ्री फोर गेट ऑन द डांस फ्लोर, नोट कर लिया प्यारे बच्चों, मिटा दूं। ओके ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं विच इज मोर स्टेबल पहले, फिर जल्दी से एसिडिक ऑर्डर समझाता हूं। NO2 CH2 COO माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH COO माइनस F CH2 COO माइनस, आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबके सब माइनस आई शो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा माइनस आई ये शो करेगा, उसके बाद ये और ये लास्ट में था। माइनस आई की वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट स्टेबल, ये भी खींचेगा पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट और स्टेबल। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल करेगा? ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, बेस्ड ऑन माइनस आई ऑर्डर। एनओ टू का बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में था, फ्लोरीन थोड़ा बीच में और ये एकदम लास्ट में। अब मैं बताता हूं कि ये स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी से फायदा क्या होना है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी से फायदा क्या होना है, मिटा दूं। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी से प्यारे बच्चों फायदा क्या होना है, हम एसिडिक ऑर्डर जज कर पाएंगे, हम एसिडिक ऑर्डर जज कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों मान लो एक एसिड है HA, ये डिसोसिएट करेगा, इट विल गिव H प्लस एंड A माइनस। मैंने रिवर्सिबल साइन इसलिए बनाया है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे एसिड वीक एसिड होते हैं, तो रिवर्सिबल साइन है। प्यारे बच्चों अच्छा एसिड वो होता है जिसका ये आयन स्टेबल हो, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस नाम से जानते थे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, जिसका ये आयन स्टेबल हो। भाई ये स्टेबल नहीं होगा तो HAH+ लूज नहीं करेगा, जितना ये चीज स्टेबल होगी उतना बढ़िया ये एसिड होगा। जैसे अब मेरा क्वेश्चन सुनो, विच इज बेस्ट एसिड, विच इज बेस्ट एसिड, देखना एफ सी एच टू सी ओ ओ एच सी एल सी एच टू सी ओ ओ एच, अभी बहुत लेवल बढ़ने वाला है, बी आर सी एच टू सी, अभी तो मजाक कर रहे हैं, पर सी ओ ओ एच आई सी एच टू सी ओ ओ एच, इन सब में सबसे बेहतर एसिड कौन है? बच्चों एसिड वो होगा जो H प्लस लूज करेगा, यहां से निकला H प्लस, 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 क्लियर? इसके बाद यहां पे आएगा माइनस 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 माइनस। अब ये देखो A माइनस है एक तरह से ना, HA में से H प्लस, जिसकी ये वाली स्पीशी ज्यादा स्टेबल होगी
वही H प्लस लूज करना चाहेगा. दिस इज H, दिस इज A. किसकी ये वाली स्पीशी ज्यादा स्टेबल है? मेरे ख्याल से तो इसकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, ये भी खींचेगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट, खींचेंगे तो सब सबके सब माइनस आई है, पर सबसे ज्यादा माइनस आई इसका ये इलेक्ट्रॉन. इसकी ये स्पीशी मोस्ट स्टेबल, यानी ये सबसे ज्यादा बनेगी, मतलब ये रिएक्शन आगे सबसे ज्यादा बढ़ेगा, मतलब ये मोस्ट एसिडिक होगा. सो ऑर्डर विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी. सो यू कैन कंक्लूड कि मोर इज द माइनस आई इफेक्ट, मोर इज द एसिडिक नेचर. ये सब बोलने की बात है, किताबों में लिखा होता है तो मैं लिख दे रहा हूं 100% ये सब बातें सच है, ऐसा मैंने नहीं कहा, एक जनरल बात है. मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर. भाई इसका माइनस आई ज्यादा है तो एच प्लस निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा और ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, वहां पे चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज पूरे में बढ़ जाएगा. ये उतना अच्छा चार्ज को नहीं खींच पाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज वहीं रह जाएगा तो इधर कम आएगा, इसके ऊपर चार्ज फिर भी काफी रहेगा तो ये अनस्टेबल. तो ये ज्यादा H प्लस लूज करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि एक अनस्टेबल स्पीशी की बर्थ होगी. बात क्लियर है? मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर, कह सकते हैं ऐसा, ऐसा आप कह सकते हैं, मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर. और ऐसा कहते कहते तीन चार सवाल हम आपको करा देते हैं, जैसे सी एच थ्री सी ओ ओ एच, आसान आसान, सी एच टू सी एल सी ओ ओ एच, बी सी सी एल टू एच सी ओ ओ एच, बी तो हो गया सी, और ये डी सी सी एल थ्री सी ओ ओ एच, विच इज मोस्ट एसिडिक. तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, इसमें एक माइनस आई, इसमें दो माइनस आई, इसमें तीन माइनस आई. तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस को या स्पीशी को स्टेबल करेगा. तो क्लियर कट आंसर हो जाएगा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ज्यादा स्टेबल करेगा, ये कम, ये उससे कम, यानी मोर नंबर ऑफ ग्रुप मोर स्टेबिलिटी, है ना? मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप आप कह सकते हो मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक. पर बात असल में एसिडिक नेचर की है नहीं, बात है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशी, ठीक है? गलत तरह से मत समझना बात को, ये नहीं कह रहा मैं कि माइनस आई से स्टेबिलिटी मिल रही है असल में. जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको प्यारे बच्चे दे दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड टू जो भी है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, बहुत प्यारा सवाल, सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ऑप्शन बी सी एच टू सी एल सी ओ ओ एच, ऑप्शन सी सी एच टू सी एल सी एच टू सी ओ ओ एच. अब हमसे पूछा विच इज मोस्ट एसिडिक. प्यारे बच्चों इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, इसमें एक माइनस आई ग्रुप है, इसमें भी एक है. दिक्कत क्या है इस बार, ये वाला माइनस आई ग्रुप ज्यादा पास है, ये ज्यादा दूर है. मैंने आपको बताया था कि ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, तो यहां पे डेफिनेटली माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और यहां का माइनस आई इफेक्ट यहां से कम होगा. जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर. तो ऑर्डर हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए. क्लियर है? यहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं, है ना? सी एच थ्री लगा है वो ऐसे तो प्लस आई होता है, अभी बताया नहीं क्या, एनीवेज माइनस माइनस आई, इसमें माइनस आई ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए. ये मत कहना कि माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो एच प्लस निकल गया, ये कोई टीचर अगर बता रहा है तो गलत बता रहा है. अगर कोई बोल रहा है कि माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा और एच प्लस बाहर निकला, वो गलत कंसेप्ट है. क्लियर है यहां तक? जो स्पीशी बनी है एच प्लस निकलने के बाद वो स्टेबल है ड्यू टू माइनस आई. क्लियर है? तो बच्चों ये छोटी मोटी बातें थी माइनस आई इफेक्ट पे, ठीक है? मोर एसिडिक नेचर, मोर नंबर ऑफ ग्रुप और डिस्टेंस जितना कम हो, ये वगैरह वगैरह बातें की हमने. अच्छा जरा मैं बात करता हूं प्लस आई इफेक्ट की. प्लस आई इफेक्ट, तो प्यारे बच्चों प्लस आई इफेक्ट कब आएगा? जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहता, उसके ऊपर लादना चाहता अपने इलेक्ट्रॉन, ले ले इलेक्ट्रॉन. तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं. पहले आप ऑर्डर लिख लें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, नोट करेंगे यहां से. नोट करना चाहते हैं सी एच टू माइनस एन एच माइनस ओ माइनस सी ओ ओ माइनस. ये सारे वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये हैं सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सी एच थ्री सी सी एच थ्री
H. सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप सी एच एच सी एच थ्री. सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ये भी है. इसके बाद ये हो गया प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सॉरी, और एक और प्राइमरी है ना. मिथाइल ग्रुप ये इथाइल है, सी एच थ्री सी एच टू इथाइल ग्रुप. फिर ये टू डिग्री अल्काइल है, ये भी थ्री डिग्री, ये थ्री डिग्री, ठीक है. तो थ्री डिग्री अल्काइल, टू डिग्री अल्काइल, वन डिग्री अल्काइल, और ये भी वन डिग्री है पर इसको हम मिथाइल बोल देते हैं, ठीक है, कन्वेंशन चलता आ रहा है. थ्री डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री एंड मिथाइल. थ्री डिग्री अल्काइल, टू डिग्री अल्काइल, वन डिग्री. इनमें बड़ा क्वेश्चन आता है. पहले बच्चों, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. अल्काइल ग्रुप के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलते हैं. तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. क्लियर है? जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा. तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर ढकेलने का ऑर्डर है. इलेक्ट्रॉन को खुद से कमऑन दूर ढकेलने का ऑर्डर है. माइनस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने का तरीका. माइनस आई के ग्रुप कौन कौन से थे? माइनस आई ग्रुप NF3, NR3+, NH3+, CNO2, CN, ये सारे ग्रुप हमारे थे जो वहां पे आपने देखे. सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, याद रखना होगा ऑर्डर आपको, तभी मजा आएगा. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे उधर के ग्रुप थे. इधर बेसिकली आपको ये चार ग्रुप सबसे ज्यादा दिखने वाले हैं, अल्काइल, ये आपको बहुत दिखने वाले हैं इधर. क्लियर है? पक्के से क्लियर है? बहुत बढ़िया. मैं फंसाऊंगा आपको, मैं सवाल बहुत अच्छे अच्छे देने वाला हूं, इसलिए मैं सवाल लिख के भी लाया हूं. मैं सवाल लिख के लाया हूं, बहुत अच्छे अच्छे कराऊंगा. यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं प्यारे बच्चों, अब आप बताना. क्वेश्चन फिर से वही है कि एसिडिक ऑर्डर बताएं, एसिडिक ऑर्डर बताएं अल्कोहल का. एसिडिक ऑर्डर बताएं, बताएं अल्कोहल का. ए बी सी डी. आपको इन अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर बताना है. प्यारे बच्चों, एसिडिक ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, भी जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा आप यही करोगे कि H+ निकाल के देखोगे बची हुई स्पीशी स्टेबल है कि नहीं. स्टेबल तब होती है जब ये चार्ज ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अपनी जगह छोड़ सके. चलो एक काम करते हैं, यहां से H+ निकाला, यहां से H+ निकाला, यहां से H+ निकाला और यहां से H+ निकाला. इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस. प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख रहे हो इसके पास प्लस आई इफेक्ट है बहुत सारा, क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप है, थ्री डिग्री अल्काइल है, बहुत सारा प्लस आई इफेक्ट. यानी अपने इलेक्ट्रॉन इसने O को दे दिए. अब देखो O पे ऑलरेडी माइनस था और आपने उल्टे उसे इलेक्ट्रॉन और दे दिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा दी. इसका मतलब ये मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा. इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो दैट वुड बी मोस्ट अनस्टेबल. अगर ये मोस्ट अनस्टेबल होगा तो ये H+ बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहेगा. और अगर यहां बात करें O-, यहां भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चढ़ा रहा है पर उतने नहीं जितना ये चढ़ा रहा है ना. यहां पे लीस्ट प्लस आई इफेक्ट और यहां पे मोस्ट प्लस आई इफेक्ट. यानी इस ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये अनस्टेबल, इस पे उतने नहीं आएंगे तो ये इसके कंपैरिजन में स्टेबल. सो इन दोनों में से कौन H+ लूज कर सकता है? ये किए ये फिर भी कर सकता है, ये इतना अनस्टेबल नहीं होगा जितना ये हो जाएगा. तो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा हमारा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए. बोलो समझ में आया? यहां प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, यहां प्लस आई उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम. क्लियर है? पहले H+ निकाला, देखा ओ पे माइनस, ओ पे माइनस, ओ पे. ओ को सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है? ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ये H+ लूज नहीं करेगा. हमने कहा लीस्ट एसिडिक. O को सबसे कम अनस्टेबल ये कर रहा है, तो हमने कहा चलो ठीक है मोस्ट एसिडिक अमंग दिस. और ये सच्चाई भी यही है, डेटा भी देखा गया तो मोस्ट एसिडिक यही निकला. अब यहां से आप एक कंसेप्ट बनाने को बना सकते हो, आप बनाने को बना सकते हो, बोलने को बोल सकते हो कि मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट
lesser acidic nature. More plus I effect gives to lesser acidic nature. By minus I effect se kya tha? Acidic nature. Plus I se kya aa raha hai? Lesser acidic. Yani ek tarah se basic bhi bol sakte ho. आप बोल सकते हो, आप बोलने को बोल सकते हो, हम मना ही नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं, मतलब ना किताब में भी लिखा है सब, हम तो मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां अच्छे केस आएंगे वहां हम समझाएंगे। यानी माइनस आई से मिल रहा था एसिडिक, प्लस आई से मिलने वाला है बेसिक, है ना। तो इन चारों में अगर कोई हमसे पूछता है मोस्ट बेसिक कौन है, ये है ना, सबसे ज्यादा प्लस आई के अंदर मोस्ट बेसिक हो गया, लीस्ट एसिडिक कौन है ये। पर जो तरीका मैं बता रहा हूं, पहले स्पीशी बनाओ फिर उसकी स्टेबिलिटी देखो कि उसके ऊपर चार्ज खींच रहे हो कि उस पर चार्ज और लाद रहे हो। अगर उस पर और चार्ज ला दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, खींच लोगे तो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, आपको इतनी बात समझ में आ गई। जरा एक और सवाल देखें आप, एसिडिक ऑर्डर ही बताइएगा। नेक्स्ट सवाल में भी सवाल है आपका। आसान सा सवाल, अब बताएं इसमें से मोस्ट एसिडिक लीस्ट एसिडिक क्या होगा, बताएं प्यारे बच्चों। यहां पे देख रहे हैं आप दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट, यहां पे एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट और यहां पे एक तरफ से माइनस आई। तो प्यारे बच्चों ये दोनों तो बेसिक होना चाहते हैं, एसिडिक में गिने नहीं जाएंगे। मोस्ट एसिडिक तो यही होगा सी, क्योंकि O के ऊपर माइनस आएगा, चार्ज को ये खींच के स्टेबल कर देगा। बाकी दोनों O के ऊपर माइनस को बढ़ाना चाहेंगे, यहाँ O पे माइनस, O माइनस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, O पे माइनस ये ज्यादा बढ़ाएगा, लीस्ट स्टेबल हो गया, ये सबसे पीछे चला जाएगा A, उसके प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा उतना कम एसिडिक। इसमें दो तरफ से प्लस आई, ये लीस्ट एसिडिक। क्लियर है प्यारे बच्चों, आसान था, समझ में आया। इसमें प्लस आई बहुत ज्यादा हुआ तो ये लीस्ट एसिडिक, इसमें माइनस आई मोस्ट एसिडिक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया, सवाल तुमने बनाया। अब जरा देखो पहले एक सवाल और आसान करा दूं। HCOOH CH3COOH, इन दोनों में से विच इज मोर एसिडिक। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, दिस इज फॉर्मिक एसिड and this is acetic acid. इसको जरा underline कर लीजिएगा सवाल को, या इस पे mark लगा लीजिएगा, है ना, या इस पे box बना लीजिएगा, जो चाहेंगे। Formic acid और acetic acid, which is more acidic? तो आप अगर effects को ध्यान में रखो और effects को ध्यान में रख के answer दो तो वो answer सही है, tension मत लो। आप सोच रहे कुछ नया होने वाला है, यहाँ से H plus निकालो, यहाँ से H plus निकालो, स्पीशी बचेगी HCOO minus, यहाँ बचेगी CH3COO minus, तेज तो नहीं हो रहा। इसके पास plus I effect है, मतलब ये इसको unstable कर देगा, plus I मतलब electron इसके ऊपर लाद देगा और electron आ गया unstable। इसके पास कोई effect नहीं है, H के पास थोड़ा बहुत minus I होता है, वो तो last में लिखा है। तो anyways this is less stable, this is more stable, तो बात आपकी सही है, A is more stable. So HCOOH is more acidic than CH3COH. पर इसको लिख लेना, पर इसको लिख लेना। चलो मैं आपको एक अच्छा सवाल देता हूं, मिटा दूं, एक अच्छा सवाल देता हूं, विच इज मोर एसिडिक का ही एक प्यारा सवाल है। चार ऑप्शन देता हूं, उसमें फंसाता हूं थोड़ा सा। ए है आपका CH3COOH, बी है आपका CLCH2COOH, सी है आपका OH CH2COOH और डी। चलो अभी ए बी सी कर लो पहले, फिर डी में समझाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसको बताओ, एक प्यारा सवाल है ये, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहला वाला तो प्लस आई ग्रुप है, दिस इज प्लस आई, यस, this is plus I, this is what plus I. CLCH2 को मैं इतनी देर से minus I बोल रहा हूं, पर आपको थोड़ा concept समझाता हूं। यहां पे CL भी है और CH2 group भी है, समझना, ये minus I लेके आया है, ये plus I लेके आया है। सुनो ध्यान से, मैं बार बार easily बोल देता हूं कि ये minus I, पर सुनो, ये minus I लेके आया है, ये plus I। होता क्या है कि इसके result में net, इसके रिजल्ट में नेट माइनस आई इफेक्ट आता है।
इसलिए बार बार मैं Cl-CH2 को देखकर बोल दे रहा था माइनस आई ग्रुप, असल में CH2 के पास प्लस आई भी है, तो इसका नेट रिजल्ट माइनस आई था, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा था। पर अब कंपेरिजन वाला सवाल है, जैसे ये OH के पास माइनस आई होता है अगर आप ऑर्डर को देखो, पर OH का माइनस आई Cl से काफी कम होता है, इतना कम होता है कि यहां पे CH वाले ग्रुप का प्लस आई इस पे डोमिनेट करके नेट इफेक्ट प्लस आई का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड राइट दिस। ऐसा ही सवाल एग्जामिनर बना के आपको फंसाता है। मैं तो जनरली बार बार Cl का बोल रहा था माइनस आई, पर Cl CH2 से जुड़ा है भाई, कार्बन वाले ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट है, Cl के पास बहुत ज्यादा माइनस आई, तो नेट आया माइनस आई। OH के पास माइनस आई इतना ज्यादा नहीं है कि CH2 को भी माइनस आई कर सके, OH एक वीक माइनस आई ग्रुप है, CH2 प्लस आई, ओवरऑल इफेक्ट प्लस आई, तो दिस इज प्लस आई। अब आप बताओ विच विल बी मोस्ट एसिडिक, तो कोई डाउट नहीं होगा जिसमें माइनस आई है वो ज्यादा एसिडिक है, पहले तो बी लिखा। अब बात आई कि इसके बाद कौन लीस्ट एसिडिक, वो होगा जिसमें प्लस आई ज्यादा होगा। मुझे बताओ यहां प्लस आई ज्यादा होगा कि यहां, डेफिनेटली यहां होगा, यहां OH थोड़ा सा प्लस आई को कम भी तो कर रहा होगा, यहां CH3 है, यहां CH2 के साथ कौन आ गया OH, जो प्लस आई को थोड़ा कम कर रहा, मतलब इसका प्लस आई इससे ज्यादा होगा, सो दिस विल बी लीस्ट एसिडिक। क्या मेरी बात समझ में आई, इन दोनों का कंपेरिजन किया मैंने, पहली बात OH में माइनस आई, CH2 में प्लस आई, नेट इफेक्ट प्लस आई, पर OH की वजह से थोड़ा प्लस आई इसका इसके कंपेरिजन। देखो ये CH3 था, वहां से एक एच हटा के OH आ गया जिसने प्लस आई को थोड़ा कम किया, ये लीस्ट एसिडिक ए और बीच में आ गया बी, सॉरी वॉट सी, ऑर्डर विल बी बी सी ए। ये कंसेप्ट नोट करेंगे, पहले तो मैंने बताया OH के पास माइनस आई था, CH2 के साथ मिलने के बाद वो नेट प्लस आई दिखाता है, इतना ज्यादा माइनस आई उसके पास नहीं है, फिर अगर इस ग्रुप को इससे कंपेयर करोगे तो इसका प्लस आई ज्यादा है क्योंकि इसमें प्योर प्लस आई है, इसमें प्लस आई के साथ थोड़ा सा माइनस आई भी था जिसकी वजह से इसका प्लस आई कम हो गया, लेस प्लस आई व्हेन कंपेयर्ड टू दिस, तो दिस इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू दिस। क्लियर है? बहुत बढ़िया, एक अच्छा सवाल आपने निपटाया, बहुत बहुत आपको बधाई हो, नए साल की आपको शुभकामनाएं। पता नहीं नेक्स्ट ईयर बच्चे इसको कब देखेंगे, कहेंगे अभी सर नया साल क्यों बना रहे हैं, तो बच्चों वीडियो के नीचे पब्लिशिंग डेट होती है तब आप देखना, करीब करीब नए साल के आसपास ही हम। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन ही करने हैं इसमें, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बनना है। देखो HCOOH, प्यारा सवाल है भी, CH3COOH ICH2COOH, आई की जगह Cl लगाता हूँ, Cl-CH2COOH, यू हैव टू टेल द एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर जल्दी से लगाएं अपने आप, अब कर लिया है, ओके, दिस इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, दिस इज हैविंग नो इफेक्ट, एंड दिस इज बोथ विल हैव माइनस आई, सबसे ज्यादा एसिडिक माइनस आई करेगा, इसके बाद नो इफेक्ट, इसके बाद प्लस आई, सी ए बी, कहीं मैं लिख गलत दूं तो मुझे माफ करना, बता तो मैं सही रहा हूं ना, सबसे पहले माइनस आई, फिर नो इफेक्ट, फिर प्लस आई, सी ए बी, क्लियर है? क्लियर है? अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये एसिडिक नेचर प्रिडिक्ट करना इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है एसिडिक नेचर प्रिडिक्ट करना, वो तो हम आपको बार बार रीजन दे दे रहे हैं, आप समझ जा रहे हो, आप मान ले रहे हो, कोई और आके आपको कोई और रीजन देके कन्विंस फिर कर सकता है, अरे हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई आके कोई और इफेक्ट पढ़ा दे, अभी कहते कि नहीं ये इफेक्ट तो नहीं, इसके साथ ये इफेक्ट भी हो रहा था, देखो ऐसे ये स्टेबल है, तो आप पूछो, सो व्हाट इज द वन श्योर मेथड टू नो विच इज मोर एसिडिक, मतलब कंफर्म 100% बच्चों कंफर्म करने का तरीका है, आपको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका एक कॉन्स्टेंट होता है के, है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और एसिड के केस में उस कॉन्स्टेंट को हम के ए बोलते थे, बोलते थे आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। प्यारे बच्चों इस के के की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखते हो, आपको याद है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इधर का H प्लस इंटू ए माइनस, और इसको डिवाइड कर दो किससे, HA की कंसेंट्रेशन से, ऐसे लिखते थे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों जिसमें ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उसमें H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी उसके के की वैल्यू ज्यादा होगी, दिस इज द श्योर मेथड टू नो विच इज मोर एसिडिक।
जिसके के ए की वैल्यू मोर होगी दैट विल बी मोर एसिडिक। भाई एच प्लस जिसका ज्यादा निकलेगा वो ज्यादा एसिडिक, जिसका एच प्लस ज्यादा उसका के ज्यादा, जिसका के ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। यही एक श्योर 100% श्योर तरीका है। जैसे इन तीनों के को अगर आप कंपेयर करो तो इसका के अगर मान लेते हैं कि कंपेयर करें तो इसका के अप्रोक्सीमेटली मान लो 18 आता है, 20 मान लो, चलो इसका के अप्रोक्सीमेटली 20 आता है, तो इसका के अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। के तो इंटू 10 की पावर माइनस 5 में आता है, के की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, मतलब एक अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूँ कंपेरिजन कि जब ये 3 होगा तो ये 20 होगा, और ये करीब करीब अगर कंपेयर करोगे तो 18 होगा। इन तीनों का अगर कंपेयर करें तो इसका के अगर मैं बोलूं 20, अगर बोलूं 20 के बराबर तो इसका 3 और इसका 18। के के सिवा कोई 100% श्योर तरीका नहीं है एसिडिक नेचर का। अब बताओ कौन मोस्ट एसिडिक, ये फिर ये फिर ये सी ए पी अप ऑर्डर से। तो के से अच्छा कोई मेथड प्यारे बच्चों नहीं है। जैसे कि मिटा लूं इसको, मैं मिटा लूं, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लें, अभी आप फंस जाओगे। एच सी ओ ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच बेंजोइक एसिड सी ओ ओ एच फिनॉल। अब हम पूछें इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या है, तो पहले दूसरे में तो आप बता दोगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। बाकियों को कंपेयर करने के लिए आप इफेक्ट्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंटायरली ग्रुप की साइज, ग्रुप की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल चुकी है। मोर ओवर ये तो एसिड है, ये तो अल्कोहल ग्रुप है। तो करेक्ट एसिडिक ऑर्डर जानने का एक ही तरीका है, जिसका के ए सबसे बड़ा हो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। प्यारे बच्चों एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पी के ए, सुना है क्या, विच इज माइनस लॉग 10 के ए, सुना है ना इक्विलिब्रियम में, जैसे पीएच होता है। बच्चों के ए जितना बड़ा होगा पी के ए उतना छोटा, मतलब जिसका पी के ए सबसे छोटा दैट विल बी मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा जिसका के ज्यादा या जिसका पी के छोटा। तो हमने क्या किया, हमने किताब उठाई, किताब से सभी चीजों का पी के उठाया, सभी चीजों का के उठाया, उनको कंपेयर किया और एक लिस्ट बनाई। तब हम लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं, इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, सवाल फिर आएगा। अब आपको हम एक लिस्ट दिखाने वाले हैं एसिडिक नेचर की, जिसका के सबसे बड़ा या जिनके पी के सबसे छोटे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूं एसिडिक नेचर। प्लस आई माइनस आई भी खेल खेलना है, खत्म नहीं हुआ है, वो खेल चलता रहेगा साथ में। अब आप एसिडिक नेचर ऐसे भी याद रखो, बेसिकली हम बात करेंगे यहां पे वीक एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड्स की। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं देने वाला हूं आपको, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, कॉपी और पेन निकाल के। SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉलोड बाई HCOOH फॉर्मिक एसिड फॉलोड बाई बेंजोइक एसिड फॉलोड बाई RCOOH, ठीक है। R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल मिथाइल फिनाइल। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है फिनॉल। सो बेंजोइक और फिनॉल में क्लियर कट डिफरेंस है कि बेंजोइक एसिड फिनॉल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, कोई कंपैरिजन नहीं। प्यारे बच्चों फिनॉल के बाद हमको मिलता है H2O वाटर, एक कार्बोनिक एसिड छूट गया, यहां पर लगा लें H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये पूछा नहीं जाता जनरली आपको ऑर्गेनिक, वैसे तो बहुत छूट जाएंगे बीच में आते जाए तो। अच्छा प्यारे बच्चों वाटर के बाद जो हमको मिलता है वो मिलता है ROH अल्कोहल ROH। प्यारे बच्चों यहां पे भी एक एक्सेप्शन होगा जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद हमको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एक एसिडिक ग्रुप है। इसके बाद हमको मिलने वाला है एसिडिक नेचर में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद हमको मिलेगा CH3 CH3। वैसे तो बहुत कुछ बना सकते हैं पर क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में लिमिटेड रहना है तो ये ऑर्डर हमें याद करना होगा, तो नोट करेंगे इसको आप।
नोट करेंगे इस ऑर्डर को, कर लिया है, कर लिया है, और भी बीच में चीजें आएंगी, अभी हम कराएंगे तो इफेक्ट से भी कई चीजें समझाएंगे। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एक ऑर्डर समझाया है, ठीक है, एक मोटा मोटा, ठीक है। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसके बाद फॉर्मिक एसिड, इसके बाद बेंजोइक एसिड, इसके बाद एसिटिक एसिड या जो भी स्ट्रेट चेन में आपको एसिड दिखे, इसके बाद कार्बोनिक एसिड, जल्दी पूछता नहीं, इसके बाद फिनॉल बहुत पूछता है। ये वाला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एसिटिलीन या इथाइलीन, इथाइन, इसके बाद इथिलीन या इथीन, और उसके बाद इथेन, ये ऑर्डर हमारा रहेगा। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, मिटा दें, 1 2 3 4 मिटा दिया। प्यारे बच्चों, मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहले आपको करा देता हूं यहीं पे, जो इस सवाल कई बार आया हुआ है, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने को पूछता है, H2O C2H5OH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बहुत बार आता है। तो अभी मैंने आपको जो ऑर्डर दिखाया था, अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, तो आपने सबसे पहले SO3H लिखा है, उसके बाद HCOOH लिखा है, उसके बाद बेंजोइक एसिड लिखा है COOH, उसके बाद RCOOH लिखा था, उसके बाद H2CO3 लिखा था, उसके बाद फिनॉल ग्रुप लिखा था, फिनॉल के बाद आपने H2O लिखा है, H2O के बाद आपने ROH लिखा है, ROH के बाद आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, जिसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, और जिसके बाद आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ के ग्रुप खत्म नहीं हुए, ग्रुप इसमें लगाते जाओ, आते जाएंगे। कार्बोनिक मैंने बीच में डाला, अभी यहाँ पे मैं डाल दूँ अमोनिया ग्रुप NH3, इसके बीच में आता है, तो ऐसे खत्म नहीं होने वाली लिस्ट। अरे लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कई चीज़ें इसमें छोड़ रहा हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, आप इतनी चीज़ें नोट करो, इतने में काम बन जाएगा। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, आप जरा चेक करो, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्काइन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, तो आप सिंपल बोलोगे सबसे पहले वाटर, इसके बाद अल्कोहल, इसके बाद एल्काइन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी अल्कोहल विच इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिलीन, एसिटिलीन बोले तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसी में CH2 डबल बॉन्ड CH2 देता तो वो ओरिएंट पे चला जाता। इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, इस सीरीज में, इस सीरीज में प्यारे बच्चों एक एक्सेप्शन है, विच इज CH3OH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2। वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर अल्कोहल एक्सेप्ट CH3OH, एक्सेप्ट CH3OH। अगर आपको याद हो, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ओके। तो अब आपको मैंने एसिडिक ऑर्डर भी लिखवा दिया, और प्लस आई माइनस आई इफेक्ट भी आपको कुछ कुछ समझ में आ गया है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है बहुत ही आसान, HCOOH CH3COOH और बेंजोइक एसिड और फिनॉल। तो जो क्वेश्चन मैंने पहले दिया था वही फिर से दिया है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। इन सब में से मोस्ट एसिडिक फॉर्मिक एसिड, इसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, इसके बाद एसिटिक एसिड, और उसके बाद अल्कोहल। ध्यान रहे, अल्कोहल प्योरली एसिडिक नहीं होते हैं, इसलिए बेंजोइक एसिड से हमेशा पीछे होंगे। आपके पास कैसा भी बेंजोइक एसिड हो, आपके पास कैसा भी बेंजोइक एसिड हो, वो हमेशा अल्कोहल ग्रुप से आगे रहेगा, अल्कोहल प्योर एसिडिक नहीं होते, क्लियर है। अब यही सवाल बच्चों अच्छा तब बनता जब मैं यहां पर हटाओ क्लोरीन नहीं, ICH2COOH लिखता। अब ये सवाल बहुत खूबसूरत सवाल बन गया है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ अब आप बताएं, ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे पहले HCOOH A, इसके बाद बेंजोइक एसिड सी, उसके बाद RCOH यानी ये और ये, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ये है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो आप बोलोगे डी, और उसके बाद आप बोलोगे बी। भाई इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसके पास प्लस आई, इसके पास माइनस आई, पर देखा ये गया
कि आयोडीन के आने भर से एक माइनस आई ग्रुप के आने भर से ये इन चारों में मोस्ट एसिडिक हो गया. आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्ग, अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन पीछे है पर एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है. इन सब में किसी के पास कोई माइनस आई नहीं था. मतलब एक जनरल कंपैरिजन कर रहे थे HCOH ग्रेटर किससे, बेंजोइक एसिड से, विच इज ग्रेटर देन RCOH. पर RCOH में माइनस आई लगने से वो बेंजोइक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया और फॉर्मिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग. ये इन चारों में मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जो ऑर्डर सर ने लिखा है HCOH देन बेंजोइक एसिड देन RCOH में पहले इसको फिर इसको, नहीं, ये इन चारों में मोस्ट एसिडिक बन के सामने आ गया. देखो चारों ही बेंजोइक एसिड है, पहले ये समझो, चारों ही बेंजोइक एसिड है, सॉरी चारों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, वेरी सॉरी व्हाट आई एम सेइंग बेंजोइक, चारों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कंपेयर करना था तो इसके पास माइनस आई इफेक्ट आ गया, इसकी वजह से ये आगे निकल गया. नोट करेंगे, पहले नोट करेंगे, इन चारों में सबसे आगे निकल गया. जैसे मैं आपको फिर कंफ्यूज करने जा रहा हूं अगले सवाल से, क्वेश्चन है कि मेरे पास ए बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, बी मैंने फिनॉल ले लिया विद अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप और सी नंबर पे मैंने एक सिंपल बेंजोइक एसिड ले लिया विद प्लस आई ग्रुप CH3. क्या ये दिखाई पड़ रहा है कैमरे में? CH3 बहुत बढ़िया सब दिखाई पड़ रहा. मैंने कहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर. तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे इसमें नो इफेक्ट, इसमें आप बोलोगे माइनस आई इफेक्ट आ रहा है और इसमें आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है. पर यहां पे तीनों एसिड एक जैसे नहीं है. पिछले सवाल में तीनों एसिड कार्बोक्सिलिक थे, यहां ये बेंजोइक ये फिनॉल. फिनॉल इज अ वीक एसिड व्हेन कंपेयर टू बेंजोइक, चाहे फिनॉल पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दे. पिछली बार क्या हुआ, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये भी कार्बोक्सिलिक. फिनॉल एक अलग ग्रुप है, उसमें आप कोई भी माइनस आई ग्रुप लगा दो वो बेंजोइक एसिड को क्रॉस नहीं करेगा. मतलब इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद भले इसमें प्लस आई है, भले इसमें प्लस आई है पर ये एक बेंजोइक एसिड विच इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल. याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट. यहां पे ऐसा नहीं हुआ पर यहां पे हमेशा ऐसा ही होगा. चाहे यहां माइनस आई लगाऊं यहां प्लस आई लगाऊं तब भी इसकी एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा रहे. क्लियर है? क्लियर है? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड नहीं है. क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से सवाल की कोई सीमा नहीं है, सवाल मैं आपको कराता जाऊं. जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और यहीं पे दे देता हूं, फिनॉल का ही देता हूं. चलिए यहां पे एक फिनॉल है, यहां मैं लगाया NO2 और बी में फिनॉल के साथ मैं लगाता हूं NO2 यहां और सी फिनॉल में मैं लगाता हूं NO2. पूछा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और एसिडिक ऑर्डर बताएं. तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यहां पे दो माइनस आई ग्रुप लग गए हैं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा एसिडिक सी होगा. इसके बाद ए और बी में कंफ्यूजन है. देखो माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया था डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. डेफिनेटली मैंने आपको बताया था माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल बताया था प्यारे बच्चों. यहां पे एक माइनस आई के साथ एक और इफेक्ट आ जाता है विच इज मेसोमेरिक इफेक्ट, जो आप लेटर ऑन पढ़ने वाले हो. आप ये समझो कि जब माइनस आई ग्रुप, इसको आप क्या बोलते थे, ऑर्थो, इसको बोलते थे मेटा और इसको बोलते थे पैरा. बोलते थे इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसको ऑर्थो मेटा और पैरा. जब माइनस आई ग्रुप बच्चों ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे हो तब वो मोर इफेक्ट कॉज करता है. बेसिकली माइनस आई क्या, ये माइनस एम ग्रुप के लिए था और एनओ टू, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बड़ा. माइनस एम, अब माइनस एम क्या है मेसोमेरिक में पढ़ेंगे, अभी समझ लो एनओ टू माइनस एम होता है. इलेक्ट्रॉन खींचने की कहानी इसमें भी चलेगी अंदर अंदर. अगर वो पैरा पोजिशन पे है तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन. यहां तो दोनों पे है तो सबसे ज्यादा तो यही हुआ सी, इसके बाद ए, इसके बाद बी.
तो अगर NO2 जैसा कोई ग्रुप आपका कहां लगा है, पैरा पोजिशन पे, और मेटा पे भी लगा है, तो कहां ज्यादा इफेक्ट करेगा, पैरा पे, पैरा पे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सब सवालों की कहानी है, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने कंसेप्ट बनेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल फिर देता हूं, बहुत प्यारा सवाल, एफ सी एच टू सी ओ ओ एच, देखते जाएगा बी आर सी एच टू सी ओ ओ एच आई सी एच टू नहीं नो सी एल सी एच टू सी ओ ओ एच एंड डी इज सी आई टू एच सी ओ ओ एच। पूछा है विच इज मोस्ट एसिडिक, बड़ा प्यारा सवाल है ये, विच इज मोस्ट एसिडिक। प्यारे बच्चों अगर माइनस आई की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर सॉरी फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे लिख लेता हूं मैं ऑर्डर में। प्यारे बच्चों अगर ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा इसका 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 इसका, पर यहां पे दो आयोडीन के ग्रुप है। अब हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि क्या दो आयोडीन मिलकर एक फ्लोरीन का बराबरी कर सकते हैं। माइनस आई का अगर आप ऑर्डर देखो तो फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन सॉरी फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे आगे आयोडीन सबसे पीछे, पर क्या दो आयोडीन मिलकर फ्लोरीन की बराबर करेंगे। आंसर है यस। इसमें से कोई भी अगर रिपीट हो जाता है तो बाकी सबको पीछे कर देगा, यानी ऑर्डर में डी सबसे आगे, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। डेफिनेटली दो आयोडीन आएंगे तो एक फ्लोरीन को पीछे कर देंगे। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे एक छोटा सा नया कंसेप्ट कि हाँ ठीक है वो सबसे वीकेस्ट है आयोडीन सबसे पीछे है, पर अगर दो आएगा तो वो एक फ्लोरीन को पीछे कर सकता है। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल जिसका आंसर आप खुद से करके मुझे दिखाएंगे, विच इज सी सी एल थ्री सी ओ ओ एच सी एफ टू एच सी ओ ओ एच सी सी आई थ्री एच सी ओ ओ एच। अब आप इसको अरेंज करेंगे, अब आप इसको अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो मैंने बोला कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ग्रुप्स एक से ज्यादा हैं। तो यहां पे तीन आयोडीन है, यहां पे तीन क्लोरीन, तो पहले तो इसमें कंपेयर करो आयोडीन क्लोरीन में कौन जीतेगा, क्लोरीन, तो ए ग्रेटर देन सी और उसके बाद लास्ट में बी। मतलब दो फ्लोरीन भी तीन आयोडीन का मुकाबला नहीं कर सकते, जहां ज्यादा है वो डेफिनेटली ज्यादा। इन दोनों में कौन जीतेगा अब तो देखना पड़ेगा, ऑर्डर तीन तीन है तो क्लोरीन जीत गया, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद फ्लोरीन। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, मिटार दूं, बहुत बढ़िया। अब मैं लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसको आपको इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं सोचना है, जिसको आपको इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं सोचना है। जैसे मैं आपसे पूछूं विच इज मोर एसिडिक सी एच थ्री सी एच टू ओ एच और CH3NH2। सवाल है विच इज मोर एसिडिक, बहुत प्यारा सवाल है। यहां से तीन चार सवाल मैं दे रहा हूं बहुत अच्छे, CH3CH2OH या CH3NH2। तो यहां से H+ आप निकालोगे प्यारे बच्चों, बन के आएगा CH3CH2O- और यहां से H+ निकालने पे CH3NH-। अब हम बात करेंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा H+ लूज करने के बाद, जिसकी स्पीशी ज्यादा स्टेबल होगी वो बढ़िया एसिड होगा। अब आप बताओ ये और ये कौन सा इफेक्ट देंगे, दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट देंगे। प्लस आई प्यारे बच्चों इस ग्रुप का ज्यादा होगा, दो CH3 है, दिस हैज मोर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो दिस विल बी लेसर एसिडिक, होगा कि नहीं। प्लस आई ज्यादा होगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा हो जाएंगे जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, ये कंपाउंड ये अपनी स्पीशी कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, और अनस्टेबल हो गई तो ये एसिड लीस्ट हो गया, तो आंसर आएगा ए इज लेस एसिडिक देन बी, क्योंकि यहां पे ज्यादा आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, हाँ, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर उतना कम। भाई यहां एक कार्बन का ग्रुप है, यहां दो, तो हमने बोला ये मोर एसिडिक है
और ये लेस, हमने बोला दिस इज मोस्ट, बट रियलिटी में आंसर ये नहीं है। तभी मैंने कहा अब थोड़ी देर के लिए प्लस आई माइनस आई को विराम देंगे। रियलिटी में आंसर ये क्यों नहीं, अब समझो भाई, एक बार एनएच के ऊपर माइनस है और एक बार ओ के ऊपर माइनस है, दोनों सेम ग्रुप थोड़ी ना है, आर दी सेम ग्रुप नहीं, कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? जो माइनस चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों ऑक्सीजन होते तब आप ग्रुप चेक करते कि कहां प्लस आई ज्यादा कम। यानी ये ऑर्डर जो आपने लिखा ये गलत हो गया। रीजन क्या है कि नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे है, है ना, यहां पे चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, सेम एटम नहीं है। ऐसे केस में आप एक रूल फॉलो करोगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अब आप एक रूल याद रखोगे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे, नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। यानी ये स्पीशी ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ जल्दी लूज करेगा, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है? अच्छे समझ में आया है, पक्के समझ में आया है कि अल्कोहल विल बी मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर टू अमीन। क्लियर है बात? तो हमेशा प्लस आई माइनस आई में मत झूलना, देखना कि एटम सेम है कि अलग, अलग अलग एटम है यार, इसका प्लस आई ज्यादा है डेफिनेटली, पर एटम भी तो अलग है। अब प्लस आई माइनस आई डिसाइड नहीं, अब एटम को देखो, इफ द एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैज नेगेटिव चार्ज देन इट विल बी स्टेबल। बाकी उल्टा सीधा कर लोगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज हो तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी देता है। क्लियर रहेगा? अब ये अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन अमीन, ये अमीन था, ठीक है। तो नियम क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव्स मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। छोटी छोटी कहानी है, छोटी छोटी कहानी है। जैसे आपसे मैं एक सवाल पूछूं, विच इज मोर एसिडिक, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू और सी एच थ्री सी एच थ्री, मैं आपसे ये पूछ लूं इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, वैसे तो आप वहां से बता सकते हो कि भाई ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ऑर्डर तो आपके सामने है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देख रहे हो वहां से, ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक होते हैं जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन हो, बात समझो, हर ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक नहीं हो सकता, समझो बात को, ये एसिडिक नहीं है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में हो, साइड में हो, हाइड्रोजन भी तो हो देने के लिए, है ना। ट्रिपल ए ट्रिपल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, ऐसा बोला जाता है, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, मतलब साइड में हो ट्रिपल बॉन्ड, बीच में नहीं। ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन एसिडिक नहीं होगा। खैर, तो ए बी सी, ए बी सी, अब ऐसा क्यों हुआ समझ लो, यहां से मान लो H+ निकलता तो इसके ऊपर माइनस, यहां से चलो बना के देखते हैं स्पीशी जो बनेगी, चलो यहां से H+ निकलता तो बनता C, A वाले से H+ निकलता तो बनता सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, बी वाले से H+ निकलता तो बनता सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस, और C वाले से H+ निकलता तो बनता सी एच थ्री सी एच टू माइनस, यह बन के आता सामने। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, यही सवाल होगा अपना। अच्छा, जरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो ये लोन पेयर है। अब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई, एक सिग्मा और एक लोन पेयर, दो दो का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये
एक हाइड्रोजन से एक लोन पेयर, टोटल कितना हुआ तीन, तीन का मतलब sp2। इसके पास एक सिग्मा, ये दो हाइड्रोजन से एक लोन पेयर, यानी टोटल हो गया चार, चार का मतलब हाइड्रेशन sp3। अब आपको मैं एक बात बताऊं, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा और उसकी sp3 से ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा, sp2 की sp3 से। क्यों? क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है 50%, इसमें s कैरेक्टर 33%, इसमें s कैरेक्टर 25% है कि नहीं, s कैरेक्टर 50। s जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, क्यों? क्योंकि s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसमें s बहुत ज्यादा है, इसमें 33% है, इसमें 25। सो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव्स मोर स्टेबिलिटी, तो भैया इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इस पे नेगेटिव चार्ज, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल अमंग दीज थ्री। ये उससे कम स्टेबल, ये उससे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे गिर रही है तो स्टेबिलिटी भी। अब जो ज्यादा स्टेबल वो H प्लस जल्दी लूज करेगा, वो मोस्ट एसिडिक, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्लियर है? अब यहीं पे मैं आपको इसमें भी एक बहुत खूबसूरत सवाल दे सकता हूं, पहले आप इतना नोट कर लें कि एल्काइन्स के बाद एल्कीन के बाद एल्केन आते हैं एसिडिक नेचर में, और एल्काइन भी वो आएंगी जिनमें टर्मिनल एल्काइन हो, जिनमें टर्मिनल एल्काइन हो, मिटा दें। अच्छा, समझ में आई कहानी? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2, sp3, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। यही सवाल अच्छा बन जाता है प्यारे बच्चों जब इसमें मैं इंट्रोड्यूस कर दूं एक और एलिमेंट विच इज बेंजीन, विच इज बेंजीन। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर बेंजीन इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो मैं आपको बताने को बता दूं कि भाई साहब बेंजीन यहां पे आता है इस लिस्ट में। बेंजीन कम्स बिफोर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एंड इट कम्स आफ्टर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब ऑर्डर होगा ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बेंजीन की जो रिंग है वो ट्रिपल बॉन्ड के बाद आती है और डबल बॉन्ड के पहले आती है एसिडिक नेचर में। सवाल होगा ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं ये बात क्यों हुई, मिटा दो ये चीजें। अब ये एसिडिक ऑर्डर भी मिटा लूं मैं। अच्छा, आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। इन सब में से आप H निकालो तो क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, यहां से बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस, यहां से बनेगा सी एच थ्री सी एच टू माइनस, और यहां से बच्चों H निकालोगे तो बनेगा इसके ऊपर माइनस। बोलो सही है, सब पे हाइड्रोजन 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 लगे होते हैं, छह पे एक निकाल दिया माइनस। अब समझो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा एक लोन पेयर दो, तो sp, एक सिग्मा एक हाइड्रोजन सिग्मा एक ये, मतलब तीन, तीन मतलब sp2, एक सिग्मा इधर दो हाइड्रोजन से एक लोन पेयर, चार हो गया टोटल, एक दो तीन चार मतलब sp3। इसकी बात करें बच्चों एक सिग्मा दो सिग्मा एक लोन पेयर, ये तो पाई है, यानी तीन का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो मैंने कहा कि जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो तो स्टेबल है ना, नेगेटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया नेगेटिव चार्ज लेने के बाद। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो मोस्ट अनस्टेबल। जैसे मान लो ये सवाल मैं पूछ लूं सी एच थ्री सी एच टू ओ प्लस सी एच थ्री, देखो ये भी सवाल समझो बात को, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू प्लस, मैं पूछूं यहाँ OH2 लगा देते हैं, चलो OH H प्लस, मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल स्पीशी कौन सी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और उसको क्या दिए हो पॉजिटिव, ये लीस्ट स्टेबल हो गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखो तो स्टेबल, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव तो ये लेस स्टेबल, ये मोर है, तो दोनों ही लीस्ट स्टेबल, पर कंपेयर जब करेंगे उसके कंपैरिजन में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, वो नहीं ले सकता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब आओ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस पे नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, स्पीशी बी स्पीशी डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई,
का है, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। अब देखो इस वाली स्पीशी में इस नेगेटिव चार्ज को इधर से CH2 CH2 -I इफेक्ट लगाकर खींच रहा होगा। डबल बॉन्ड के पास कौन सा इफेक्ट था? माइनस आई। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब पास माइनस आई, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ माइनस आई से खींच रहा होगा। माइनस आई से खींचने से इसके अंदर क्या मिल जाएगी? थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्टेबिलिटी मिलते ही ऑर्डर हो जाएगा, सबसे प्रथम तो ए ही होगा, इसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए डी बी सी, क्लियर है? यानी ट्रिपल बॉन्ड के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? sp2 आए थे, पर यहां ये डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट ने चार्ज को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे स्टेबिलिटी मिल गई। इसी सीक्वेंस में एक आखिरी सवाल आज की क्लास का मैं कराऊंगा और क्लास को यहां पर खत्म करेंगे हम। बहुत ही प्यारा सवाल है, विच इज मोस्ट एसिडिक। मैं पीरियड नंबर 2 के हाइड्राइड्स उठाऊंगा, हाइड्राइड्स ऑफ पीरियड 2, कार्बन, नाइट्रोजन की हाइड्राइड, ऑक्सीजन की हाइड्राइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की हाइड्राइड। पूछा विच इज मोस्ट एसिडिक। अब आप सब में से H+ निकालो तो ये बनेगा CH3-, ये बनेगा NH2-, ये बनेगा OH- और ये बनेगा F-। अगर सब में से H+ निकालते, अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही H+ लूज किया होगा। हमारा तरीका क्या है? नेगेटिव चार्ज किस पे हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यहां फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर कार्बन होता है। तो ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का ये, और यही हो जाएगा एसिडिक नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपके लिए हम एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। इन गैसियस फेज, ज्यादा आप दिमाग मत लगाना, हमने लगा दिया क्वेश्चन लिखने में, जो गलती हो सकती थी बचा ली। इन गैसियस फेज आपको बेसिक नेचर बताना है, CH3C CH3CH3NH2A, CCH3CH3HNH2B, CH3CH2NH2C। आपको बेसिक नेचर बताना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आज के लेक्चर में करेंगे इतनी ही बातें, पढ़ाई करते रहें। अगला लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा किसी नए इफेक्ट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।